गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं स्टैंजाज ऑफ द पोएम फादर रिटर्निंग होम। तो फादर रिटर्निंग होम में हमने देखा कि किस तरह से आज के मैन मेड वर्ल्ड में एक मैन, एक आदमी जो बूढ़ा हो चुका है, वो अपने आप को अकेला महसूस करता है। तो उसके बारे में ये स्टैंजाज हैं। फर्स्ट स्टैंजा में है नेम द पोएम एंड द पोएट। तो पोएम का नाम आपको मालूम है फादर रिटर्निंग होम और इट्स पोएट इज दिलीप चित्रे। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द आईज ऑफ पोएट्स फादर। पोएट के फादर की आईज, आंखों की कंडीशन कैसी है। तो उनकी आंखें जो हैं वो एज ज़्यादा होने की वजह से कमज़ोर हो गई हैं। हिज आईज आर डिम्ड बिकॉज ऑफ हिज ओल्ड एज। थर्ड इज व्हाट इज रॉन्ग विद द क्लोथ्स ऑफ कम्यूटर डिस्क्राइब्ड बाय द पोएट। पोएट ने क्या कहा है कि जो डेली पैसेंजर्स हैं, जो हर रोज इधर से उधर जाते हैं, उनके कपड़ों के बारे में क्या बोला है। तो हिज क्लोथ सारे बिट वेट एंड सॉफ्ट। उनके कपड़े क्या हो गए हैं, थोड़े गीले और सॉफ्ट हैं। व्हाट डज द पैसेज टेल यू अबाउट द वेदर इन द लेट इवनिंग। इस पैसेज में किस तरह के मौसम की बात की गई है। इट इज़ वार्म एंड डैम्प। ये क्योंकि मानसून सीजन है जिसमें बारिशें लगातार होती हैं, और क्योंकि ये मुंबई की बात है तो कैसा है मौसम, वार्म एंड डैम्प। नेक्स्ट स्टैंजा है नाउ आई कैन सी हिम गेटिंग ऑफ द ट्रेल लाइक ए वर्ड ड्रॉप फ्रॉम द लॉन्ग सेंटेंस। तो पोएट बता रहा है कि किस तरह से उसके फादर ट्रेन से उतरकर अब कहाँ जा रहे हैं, अपने घर जा रहे हैं। तो क्वेश्चन देखिए, नेम द पोएम एंड द पोएट सेम है। गिव द फिगर ऑफ स्पीच यूज इन दीज सेंटेंसेज। ये सेंटेंस देखिए, नाउ आई कैन सी हिम गेटिंग ऑफ द ट्रेन लाइक ए वर्ड ड्रॉप्ड फ्रॉम लॉन्ग सेंटेंस। तो इसमें क्या यूज किया गया है, जो क्योंकि वर्ड लाइक आया है, लाइक या एज, तो वो क्या होता है, सिमिली। ठीक है, इसके बारे में हमने पहले पोएम में किया था कि सिमिली क्या है। What does the poet's father do after crossing the railway line? रेलवे लाइन को क्रॉस करके उसके फादर क्या करते हैं। He enters the lane. रेलवे लाइन को क्रॉस करके उसके फादर गली में मुड़ जाते हैं, एंटर कर जाते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू द स्टिकी चप्पल्स ऑफ poet's father स्टैंड इन द वे ऑफ हिज हरिंग फॉरवर्ड। क्या उसके पिता की मिट्टी से भरी हुई फिसलने वाली चप्पल उनके जल्दी जल्दी चलने में बाधा उत्पन्न करती है। नहीं, वो हालांकि उनकी चप्पल जो है वो कीचड़ से भरी हुई है, फिर भी वो जल्दी जल्दी गली में चलते जाते हैं। तो इसका आंसर होगा नो दे डोंट। नेक्स्ट हमारा स्टैंजा है, स्टैंजा नहीं है, नॉर्मली जो है वो क्वेश्चंस आ सकते हैं, जो कि विच लाइन इन द पोएम डिस्क्राइब फादर्स इज रेलेवेंस टू द ट्रेन। फादर और ट्रेन के बीच में कौन सी चीज बताई गई इस पोएम में जो इसके साथ संबंधित हमें लगती नहीं है। तो वो ये लाइन है, नाउ आई कैन सी हिम गेटिंग ऑफ द ट्रेन वर्ड लाइक ए वर्ड ड्रॉप्ड फ्रॉम ए लॉन्ग सेंटेंस। नेक्स्ट है राइट टू रीजंस फॉर फादर्स आई बीइंग डिम्ड। कौन से दो कारण हैं जिसके कारण उसके पिता की आंखें कमजोर दिखाई दे रही हैं। हिज आईज आर डिम्ड बिकॉज ऑफ ओल्ड एज एंड ह्यूमिड मॉनसून नाइट। क्योंकि मॉनसून की शाम है, उमस भरी मॉनसून की शाम, और उनकी ओल्ड एज के कारण, क्योंकि वो बूढ़े हो गए हैं इसलिए उनकी आंखों की रोशनी कम हो गई है। नेक्स्ट इज वेयर डज फादर गो आफ्टर गेटिंग ऑफ द ट्रेन। ट्रेन से उतरकर उसके फादर कहाँ जाते हैं। आफ्टर क्रॉसिंग द रेलवे लाइन ही एंटर्स द लेन वेयर हिज होम इज सिचुएटेड। या आप सीधा ही लिख सकते हो कि ट्रेन से उतरकर उसके फादर गली में अपने घर में चले जाते हैं। तो आफ्टर क्रॉसिंग द रेलवे लाइन ही एंटर्स द लेन वेयर हिज होम इज सिचुएटेड।
नेक्स्ट स्टेंजा है ही सुलन चिल्ड्रन हैव रिफ्यूज टू शेयर जोक्स, कि उसके बच्चों ने भी उनके साथ अपने लाइफ के सीक्रेट शेयर करने बंद कर दिए हैं। तो एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ द ओल्ड मैन्स चिल्ड्रन टुवर्ड्स हिम, इसमें यही बताया गया है कि उनके बच्चों ने वो भी अपने लाइफ के सीक्रेट्स जोक्स उनके साथ शेयर नहीं करते। द चिल्ड्रन आर इन डिफरेंट टू देयर फादर एंड दे हैव रिफ्यूज टू शेयर देयर जोक्स एंड सीक्रेट्स विद हिम। वट डज ही डू आफ्टर बींग रिटर्न ऑफ बाय हिज चिल्ड्रन, क्योंकि वो अपने पिता अपने बच्चों के द्वारा उनको निग्लेक्ट किया जा रहा है, तो उसके बाद वो क्या करते हैं। ही गोज टू स्लीप लिसनिंग टू द रेडियो विच इज एकम्पनीड विद नॉइस, तो वो क्या करते हैं, क्योंकि उनके बच्चे उन्हें निग्लेक्ट करते हैं, तो जब वो सोने के लिए जाते हैं तो वो रेडियो ही सुनते हैं। हाउ कैन यू से दैट हिज ड्रीम मिरर्स दैट द ओल्ड मैन इज आइदर थिंकिंग अबाउट हिज पास्ट और फ्यूचर, तुम कैसे सोचते हो कि जब वो बूढ़ा व्यक्ति जो पोएट के फादर हैं वो सोते हैं तो वो या तो अपने पास्ट के बारे में या फ्यूचर के बारे में ही सोचते हैं। ही ड्रीम्स ऑफ हिज एंसेस्टर्स एंड ग्रैंड चिल्ड्रन, एंसेस्टर यानी कि पूर्वज, इसका मतलब है पूर्वजों के बारे में वो सोचते हैं, तो पास्ट है और ग्रैंड चिल्ड्रन आने वाले बच्चों के बच्चे उनके बारे में सोचते हैं, तो ये उनका फ्यूचर है। ड्राई पेन पोर्ट्रेट ऑफ पोएट्स फादर, इसको बेटा रहने देना है लास्ट क्वेश्चन को अपने।